दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इस बैंक में दोस्तों आपका अकाउंट है या फिर नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आप ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों आप दो प्रकार से यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर जो पहला प्रकार है, इस बैंक की आप ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो पर। इस बैंक से दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोन मिल सकता है, इस लोन पर दोस्तों आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो लोन है आपको कितने टाइम पीरियड तक मिलेगा, और दोस्तों ये लोन लेने के लिए आपके क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे आप कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पर आपको अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले यहां पर जो टर्म एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, वो आपको मैं यहां पर बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोन दिया जाएगा वो आप ऊपर में ही देखेंगे, आप 5 लाख रुपये तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पर नीचे देखेंगे 100% यहाँ पर डिजिटल प्रोसेस है, आपको बिना पेपरलेस ही यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पर पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 मंथ के लिए ये लोन दिया जाएगा, आप यहाँ पर ऊपर में ही देख सकते हैं। और इस लोन पर दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर 10.9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लोन पर आपको देना होगा। और इस पर जो प्रोसेसिंग फीस है, आप यहां पर नीचे देखेंगे इस लोन पर जो आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी वो 3% यहां पर देनी होगी, जो भी टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह होते हैं वो आपको यहां पर 3% पे करना होगा। अब दोस्तों हम यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहां पर आपकी जो एज है वो 21 साल की होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। एंड आप सैलरीड पर्सन है तो दोस्तों आपका यहां पर जो सैलरी है वो 25,000 कम से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमने एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात कर ली है। अब दोस्तों हम यहां पर लोन के लिए अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहां पर आपको ऊपर में शो हो रहा होगा अप्लाई नाउ, तो आपको यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आप यहां पर ऊपर में ही देखेंगे, आपको यहां पर ये फॉर्म कंप्लीट 3 स्टेप में कंप्लीट करना होगा, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करनी होगी, एंड यहां पर 3 स्टेप के अंदर आपका जो लोन है वो अप्रूवल हो जाएगा। जो भी दोस्तों ईसाइन वगैरह होते हैं वो आपको करने होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नीचे 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, यू आर एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर। अगर दोस्तों कोटक बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको यस के बटन पर क्लिक करना है, अन्यथा आप नो के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी जो कोटक महिंद्रा बैंक की जो डिटेल है, खाता संख्या है, वो आपसे मांगी जाएगी। अगर इसमें आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपली आपको नो के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे नो के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर नो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वो सेम नेम ही दोस्तों आपको यहां पर नीचे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर नीचे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी सिटी है, करंट सिटी है, उसका चुनाव आपको यहां पर कर लेना है। अदर के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको और भी सिटी शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो पर्सनल ईमेल आईडी आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपसे एम्प्लॉय डिटेल पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपका जो एम्प्लॉय डिटेल है, सैलरीड पर्सन है, सैलरीड एम्प्लॉय है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली इन हैंड सैलरी, तो आपकी जो भी दोस्तों मंथली सैलरी है, आप मंथली कितना कमा लेते हैं वो सैलरी आपको यहाँ पर फिल करनी है। ध्यान रहे दोस्तों आपको यहाँ पर 25,000 से कम सैलरी नहीं डालनी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई विथ OTP के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे वेरीफाई विथ OTP के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो लोन का रिक्वायरमेंट है, जितने अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है, वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे। लोन अमाउंट यहाँ पर फिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं योर पैन डिटेल, जो भी दोस्तों आपके पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आप जैसे यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर फिल कर देते हैं तो दोस्तों अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टाइप
ऑफ लोन रिक्वायर्ड, जिसके अंदर फ्रेश लोन एंड बैंक ट्रांसफर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर फ्रेश लोन पर ही क्लिक करेंगे एंड नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट की OTP आ जाती है, तो इस OTP को दोस्तों हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, अब दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे प्लीज कन्फर्म योर करंट एड्रेस। दोस्तों आपके प्रेजेंट टाइम में जो आधार कार्ड में एड्रेस है उस एड्रेस से अगर आप अलग एड्रेस पे रह रहे हैं तो आपको नो के बटन पर क्लिक करना है, या फिर दोस्तों आप प्रेजेंट टाइम में जिस एड्रेस पे रह रहे हैं और आधार का एड्रेस दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है, तो आपका आधार का जो एड्रेस है वो यहाँ पर अपडेट हो जाता है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे एंटर योर डिजिट आधार नंबर, आपके आधार कार्ड की जो भी नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। आधार कार्ड के नंबर फिल करने के बाद नीचे टर्म्स के बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। टर्म्स के बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे दोस्तों आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहां पर फैच होकर आ चुका है, जो कि दोस्तों आपको करंट एड्रेस एज ए पर आधार एड्रेस का यहां पर आपका जो एड्रेस है वो यहां पर शो हो जाता है। इसके बाद में नीचे टर्म्स के बटन पर फिर से क्लिक करते हैं एंड कंटिन्यू के बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। हम जैसे यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एम्प्लॉय टाइप, दोस्तों आप किस प्रकार का काम करते हैं वो काम का नेम आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो भी कंपनी की मेल वगैरह है वो मेल आपको यहां पर फिल कर देना है, जो भी आपकी बिजनेस की मेल है वो मेल आप यहां पर नीचे फिल करेंगे, आपकी मेल आईडी यहां पर फिल करेंगे एंड फिर से नीचे टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने पॉपअप आ चुका है, वाओ कांग्रेचुलेशन, हम जितने लोन के लिए यहां पर एलिजिबल हुए हैं वो लोन का जो अमाउंट है वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 2,39,177 लोन के लिए हम यहां पर एलिजिबल हो चुके हैं। आप जितने भी लोन के लिए यहां पर एलिजिबल होंगे वो लोन आपको यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एंटर लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, अगर दोस्तों आपको जितने भी लोन के अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आप अपने हिसाब से भी यहां पर फिल कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको एक लाइन शो हो रही होगी, लाइन को दोस्तों आप कम ज़्यादा करके भी आप यहां पर लोन मैनुअल ही फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहां पर मैनुअल लोन भी फिल कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इस बॉक्स पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप अपने हिसाब से भी यहां पर लोन फिल कर सकते हैं, जितने लोन की आपको ज़रूरत है वो लोन की संख्या आप यहां पर फिल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर जितना लोन चाहिए वो लोन हमने यहां पर फिल कर दिया है। अब दोस्तों इस लोन को हम रिफंड करेंगे, वो टाइम हमें यहां पर 72 महीने मिला है यानी कि 6 साल, तो हम इतना टाइम नहीं लेना चाहते हैं, मात्र 24 मंथ के अंदर ही इस लोन को हम वापस रिफंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 24 मंथ सेलेक्ट कर लिया है। इस लोन पर हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 17.75% हमारा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लग रहा है, और हमारी जो EMI आएगी वो 4,999 रुपये की हमें यहाँ पर EMI पड़ने वाली है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेंगे। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर तीसरे स्टेप में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तीसरी स्टेप आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड दोस्तों हमारे पास में करवाई जाएंगे, तो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहां पर आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह अपलोड कर देंगे एंड हमारे ईसाइन कंप्लीट करके हम यहां पर ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों कुछ ही मिनट में हमारी एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाता है और जो लोन का पैसा है वो बिना बैंक में जाए ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो तीसरी स्टेप में दोस्तों आपका जो भी बैंक है वो बैंक की डिटेल भी आपको अपलोड करनी होगी। अदर बैंक है तो उस अदर बैंक की जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड वगैरह है एंड आपकी जो भी पासबुक है वो भी यहां पर अपलोड करवाई जा सकती है। तो बैंक की डिटेल फिल करना है, बैंक पासबुक अपलोड करनी है एंड दोस्तों जो भी आपकी डिटेल वेरीफाई होगी, डिटेल वेरीफाई होने के बाद में आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।